भूत प्रेतों की कहानियों तो आपने जरूर सुनी होगी, पर क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है या फिर आपको कोई देख रहा है? आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ कि सच में भूत होते हैं या नहीं, या फिर इसे हमारे दिमाग ने बनाया है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं, और फिर ये भी बताऊंगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि जो लोग भूतों पर यकीन करते हैं वो भी समझ सके, और वो लोग भी समझ सके जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग भूत प्रेतों को मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी यानी शारीरिक काया खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है, और वो अपने प्रेजेंस को किसी परछाई या फिर किसी अजीब बॉडी शेप में दिखाती है। जो लोग भूतों में यकीन करते हैं उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी कोई बड़ी ही महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता, मरने के बाद भी उनकी इच्छा अधूरी रहती है, और इसी के चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं, और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाए। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो उनसे जुड़ी होती हैं, जैसे कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। कभी कभी तो ये भी किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है। ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों घटनाएं हो चुकी हैं इस दुनिया में। हॉलीवुड में भूतों के ऊपर कई मूवीज बनाई गई हैं, और उनमें से कई एंटरटेनमेंट के लिए हैं और कई सच्ची घटना पर बेस्ड हैं, जैसे द एग्जोरसिस्ट 1973 में निकली थी, और द कंजूरिंग जो 2013 की एक मूवी थी। अगर आप हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आपने इस मूवी को जरूर देखा होगा। द कंजूरिंग फिल्म में जो अंत में पोजीशन होती है वो सच्ची घटना पर आधारित है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा किसी के भी अंदर आ सकती है, सिर्फ इंसान में ही नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का यह भी मानना है कि ये किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती हैं। द कंजूरिंग मूवी में डॉल तो आपने जरूर देखा होगा जिसका नाम एनाबेला है, पर मूवी में उस डॉल को अलग दिखाया गया है। असल में वो डॉल ऐसे दिखती है। ये आज भी एक बंद कमरे के अंदर कैद है, और ये दुनिया की सबसे श्रापित चीजों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीजों में से एक माना जाता है। भूतों को लेकर एक और मान्यता ये भी है कि अगर कोई आत्मा को आपसे बात करना है तो वो आपके सामने आगे भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का कोई ज्ञान नहीं होता। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आत्माओं की घटनाएं अक्सर रात में ही क्यों होती हैं? ये रात में ही क्यों दिखाई देती हैं? इसका उत्तर ये नहीं है कि किसी मूवी के सीन जैसी ड्रामा बनाने के लिए रात में ही आती हैं। ये तो एक फिक्शन वाली बात हो गई। रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से वो रात के समय इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस भी कम होती है। इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूतों को उनकी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यानी उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्बेंस कर देती है, और दिन के समय डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है पर रात के समय कम होती है, और इसी के चलते घोस्ट हमें ज़्यादातर रात में ही दिखाई देते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो उसके हिसाब से आत्माएं भूत और प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी नहीं पकड़ सकता। उसके हिसाब से ये विज्ञान की समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्रेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं जाती। इस बात से हमें यह पता चलता है कि मरने के बाद भी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। साइंस और थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स भी हमें यही कहते हैं कि ऊर्जा न बन सकती है और ना ही मिट सकती है। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। एनर्जी, मैटर और मास हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वह फिजिकली कभी नहीं मरता। इस बात पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा फिजिकली उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। हमारे शरीर के मरने के बाद भी हमारे सराउंडिंग उस मैटर को अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाएगी, और वही बाद में जाके पेड़ बनेगी, और वही पेड़ को जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़ के और कहीं नहीं जाती, पर अगर आत्मा की बात करें तो वो आखिर कहाँ जाती है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल ये भी कहता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी ही है, तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती, और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स धरती की मिट्टी में मिल जाएगी, पर जो आत्मा है वो किसी न किसी तरह जिंदा रहती है। पर ये बस एक थ्योरी है, इसका कोई सबूत नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान के लिए उसकी जिंदगी की सबसे अजीब एक्सपीरियंस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वह मर के भी वापस जिंदा हुए हैं, और खासकर इंडिया में तो ऐसे हजारों केसेस हैं।
इनके हिसाब से मरने के बाद उन्हें अजीब तरह की लाइट दिखती है और किसी न किसी तरह ये वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा होता है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। जो लोग आत्माओं पर यकीन नहीं करते, उनका कहना है कि मरने से पहले किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है और उसी के चलते लोगों का हैलुसिनेशन यानी भ्रम होता है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइट्स को देख लिया और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है और क्या झूठ है, ये एक रहस्य है। द 21 ग्राम थ्योरी। तो डक्कन मैकडोगल के नाम से एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले उसका वजन नापा और मरने के बाद नापा। जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो उन्होंने 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ सेकंड बाद शरीर का 21 ग्राम वजन कम हो जाता है और इसलिए पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वजन कम होता होगा। पर अजीब बात तो यह है कि एक दो दिन नहीं, जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया हर बार हर अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का वजन ही कम हुआ है। ये सोचने वाली बात है, मरे हुए इंसान के बॉडी का वजन जितना भी हो हर बार उसके डायरेक्ट 21 ग्राम ही कम हुआ और इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और इस बात को भी प्रूफ करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। साइकिक स्टेनिंग इफेक्ट। अब बात करें उस फीलिंग की जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा जरूर लगता होगा कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइकिक स्टेनिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर डरावने घरों की बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि घरों में ऐसे अजीबोगरीब सेंसेशन होने लगती है जब भी कोई इंसान इसके अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की माने तो जब भी कोई बहुत बुरी इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर की चीजों जैसे फर्नीचर, दीवार और सीढ़ियों में अब्सॉर्ब हो जाती है। इसलिए जब आप किसी डरावनी जगहों पे जाओगे तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग होगी। घोस्ट साइटिंग। दुनिया में हजारों लोगों का ये दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है। आजकल जो इंटरनेट पे फोटोज पब्लिश की जाती है वो ज़्यादातर फेक होती हैं, ज़्यादातर रूमर्स को फैलाने के लिए पोस्ट की जाती है। पर हम क्यूजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। क्यूजा बोर्ड एक टूल है जो सुपर नेचुरल एंटिटी से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप चाहे तो खुद एक क्यूजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो कंक्लूजन ये निकलती है कि अगर साइंस के लोग को माने तो आत्माएं होती हैं, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप इसके अस्तित्व को नहीं मानती। इसके हिसाब से ये दिमाग का भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को साइंटिफिकली हम साबित नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये मानते हैं ये सच में होते हैं और इसी के चलते दुनिया में इतने सारे पोजीशन की घटनाएं होती हैं जिनमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।